सच्चिदानंद भगवान की श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री राधा रमण लाल की महाकाल महाराज की हर सिद्धि मैया की विश्वकर्मा भगवान की बोलो हनुमान जी महाराज की श्रीमद भागवत भगवान की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की वेदव्यास जी महाराज की पराशर जी महाराज की बोलो भारत माता की सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय जय श्री सीताराम। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री गजानन गणपति जी महाराज के कल्पवृक्ष में चरणारविंदों में आप और हम बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। जिनकी चरण शरण में बैठकर के जिनकी छत्रछाया में सत्संग को आप और हम श्रवण कर रहे हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक माता पिता सर्वेश्वर इष्ट श्री सीताराम चंद्र भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। श्री राधारमण लाल जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। श्री भागवत भगवान के चरणों में वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं, जिनके प्रांगण में जिनके छत्रछाया में बैठ करके आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे श्री विश्वकर्मा भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए इस पंडाल में उपस्थित आप समस्त गौ गंगा गीता गायत्री गुरु और गोविंद के पवित्र उपासकों, हे राम राष्ट्र धर्म आराधकों, ममता वात्सल्यमय मातृशक्तियों एवं उज्जवल भविष्य संपन्न मेरे युवान भाई बहनों, आप सभी श्रोताओं को, आप सभी हरि भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस का जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए आप और हम कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। अच्छा पहले तुम बैठ जाओ ठीक से, जिसको जहां बैठना है बैठो, पहले वह कर लो, कथा तो चलती रहेगी, पहले अपना अपना करो। और बैठो तो धीरे धीरे आराम से शांति से उठ करके जाओ, बैठ जाओ, हा हुल्ला मत करो।
ये सभा में शांति बना के रखो माताओं। महिलाओं का तो भगवान ही मालिक है, एकदम सभा में अच्छा। अगर अच्छे श्रोता हो, सच्चे श्रोता हो तो बिल्कुल कीप साइलेंट, चुपचाप बैठना है एकदम शांति से, ठीक है। आइए। अच्छा आज तुम्हारे पता दिक्कत क्या हुई, पूरा लाट का लाट एक ही तरफ घुस गया। अब इतना बड़ा पांडा ले, थोड़ा आराम से बैठोगे तो गर्मी भी कम महसूस होगी। आइए आप और हम अपने मन को, अपने विचारों को और अपनी आत्मा को एकाग्रचित करें, परमात्मा की ओर, व्यासपीठ की ओर अग्रसित करें और सत्संग में प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत एक बात कहती है, आज का सत्र यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने कथा के प्रारंभ में अगर बात को इधर उधर कर दी तो पूरी कथा समझ नहीं आएगी, इसलिए वो ध्यान से मंच की ओर ध्यान रखना अपना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है वेदव्यास जी के द्वारा कि भाग्योदयेन बहुजन्म संवर्जिते। क्या कह रही है श्रीमद् भागवत? भाग्योदयेन बहुजन्म संवर्जिते, मतलब एक नहीं अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के भगवान की कथा प्राप्त होती है, तब जाकर के सत्संग प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कह रही है कि अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के ये मनुष्य का देह मिलता है और फिर वो मनुष्य का देह भी भारत की भूमि पर मिले, भारत की भूमि पर भी सनातन वैदिक हिंदू धर्म में मिले, ये आपके और हमारे सौभाग्य की बात है। मनुष्य देह तो मिल गया है, लेकिन ये मनुष्य देह भी हमें भारत की भूमि पर मिला है, इस भारत की धन्य धरा पर मिला है और उसमें भी सनातन वैदिक हिंदू धर्म में मिला है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर ये जन्म सनातन वैदिक हिंदू धर्म में प्राप्त नहीं होता तो क्या आज हमें ये कथा प्राप्त होती? इसलिए मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, कथा को हंसी मजाक में, टाइम पास में मत निकाल देना, कथा बहुत बड़ी चीज है, सत्संग बहुत बड़ा चीज है। क्या जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवा रहे थे, उस समय स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के आए स्वर्ग से और वो अमृत का कलश लाकर के सुखदेव जी से देवताओं ने कहा कि गुरुदेव इस परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसको कथा सुना रहे हो। एक काम करो गुरुदेव, ये जो हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं ना, ये स्वर्ग का अमृत आप ऐसा करिए कि ये परीक्षित को पिला दीजिए, ठीक है, ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और परीक्षित को जो कथा अमृत पिला रहे हो वो हमें पिला दीजिए। तब ध्यान से सुनना इस बात को, तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन देवता आए हैं और कुछ लाए हैं। बोले गुरुदेव ये स्वर्ग के देवता क्या लेकर के आए हैं? बोले ये अमृत लेकर के आए हैं। तो बोले क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि स्वर्ग का अमृत तुम्हें पिला दूं और अमर कर दूं, और तुम्हें जो कथा अमृत पिला रहा हूं वो इन देवताओं को पिला दूं। क्या बोलो, क्या चाहते हो राजा? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं तो कुछ जानता नहीं, मुझे आप बताओ स्वर्ग के अमृत में और इस कथा अमृत में अंतर क्या है? तब सुखदेव जी ने कहा, राजन कहां तो ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा और कहां कथा अमृत मणि। अब एक बात बताओ, स्वर्ग के अमृत की एक बात बताओ,
कांच के टुकड़े की और एक बहुमूल्य मणि की तुलना आपस में हो सकती है क्या? जल्दी बोलो, कहाँ इस संसार में रहते हो? बोलो, भोजन वोजन करते हो ना? बताओ, कांच का टुकड़ा, कांच के टुकड़े की और एक मणि की आपस में तुलना हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती। तो सुखदेव जी ने कहा, राजा कहा तो ये स्वर्ग का जिस अमृत के लिए आप लोग तरसते, एक बार अमृत मिल जाए, एक बूंद मिल जाए तो सबरा काम समाप्त तो हो जाए, हम अमर हो जाए, मरने की झंझट खत्म हो जाए। उस अमृत के लिए सुखदेव जी ने कहा है कि राजन, ये जो स्वर्ग का अमृत देवता लेकर के आए, ये कांच का टुकड़ा है, और तुम जो ये कथा अमृत का पान कर रहे हो, ये मणि है। और सुनो राजन, ये स्वर्ग का अमृत पी करके मुक्त नहीं होंगे, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मां के गर्भ में आना जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कथा अमृत पी लोगे तो कथा अमृत पी करके परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर जाओगे। बोलो क्या चाहते हैं? तब परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मुझे कथा अमृत का पान करवाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने उन सारे देवताओं को वहां से रवाना कर दिया कि नहीं, मैं आप कथा के अधिकारी नहीं हूं, परीक्षित को कथा सुनाऊंगा। मैं आपको यह घटना इसलिए बताया हूं आज कथा के प्रारंभ में कि जिस कथा के अधिकारी स्वर्ग के देवता नहीं हो पाए, उस कथा को सुनने का अधिकारी अधिकार परमात्मा ने आपको और हमें दिया है। उसके बाद भी अगर हम पांडाल में रहकर के इधर उधर देखें, आपस में बातें करें, मौसम से परेशान हो जाएं, तो फिर हम परीक्षित हैं कि क्या है? विचार करो, अपना अपना विचार करो, हम हैं क्या? ये विचार करो क्या है। श्रोता सच्चा होना चाहिए, श्रोता परीक्षित होना चाहिए। सुखदेव जी को परीक्षित जैसा श्रोता मिला तो सुखदेव रूपी गुरु भी धन्य हो गए उसको कथा सुना करके। इसलिए कथा में मन एकाग्रचित होना चाहिए। सोचो कितने बड़े सौभाग्यशाली हो जिस कथा को सुनने का अधिकार भगवान ने देवस्वर्ग के देवताओं को नहीं दिया, वो अधिकार भगवान ने आपको और हमें प्रदान किया है। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है, कितने बड़े सौभाग्य। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, 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 सुर दुर्लभ सब स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से देह मिलता है, सुर दुर्लभ, स्वर्ग के देवता भी इच्छा करते हैं कि प्रभु हमें मनुष्य का जन्म दे दो, भारत की भूमि पर भेज दो, पर उनको भी ये मनुष्य देह प्राप्त नहीं होता है। अच्छा अब एक बात बताओ, आज एक बात बताओ, आप लोगों को स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है? दिल्ली बोलो, चलो कथा होता तो होती रहेगी, आप तो अपने काम की बात करते हैं, अपन बोलो स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है? स्वर्ग जाना कि नरक जाना, क्या जाना? चलो अब बोल दो, यूं तो बोल ही दोगे, दो ऑप्शन है आपके सामने है? केबीसी खेलते हैं थोड़ी देर, आओ आपके साथ है? स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है?
क्या हो गया? अब स्वर्ग जाना है कि नर्क जाना है? स्वर्ग जाना है। जाना है? किस किस को जाना है हाथ खड़ा करो, बोलो। आज तुम्हारा टिकट पकड़ा करा रहा हूं मैं, बाद में आरएसी नहीं लगेगी, वेटिंग में नहीं होंगे। स्वर्ग जाना है? सब सबरो हाथ खड़े कर रहे हो कि स्वर्ग जाना है, बहुत अच्छी बात है, जाओ। मैं तो क्यों अभी जाओ, गर्मी बहुत पड़ रही है, दुखी हो रहे हैं बेड पे। पर एक बात कहें आपसे, आप कहते हो स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, और स्वर्ग वाले कहते हैं पृथ्वी पे जाना है, पृथ्वी पे जाना है, पृथ्वी पे जाना है। अब किसका निर्णय करें यहां बताओ? स्वर्ग अपन कह रहे हैं स्वर्ग जाएं, और स्वर्ग के देवता कह रहे हैं हम पृथ्वी पे चले जाएं, हम मनुष्य बन जाएं। बोलो, अब जाना है स्वर्ग? देखो ऐसा है, वहां जाने के बाद पता है क्या होता है? वहां जाने के बाद है ना, ना तो फिर भारत मिलेगा, ना फिर मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश में मालवा भी नहीं मिलेगा, और मालवा में मंदसौर जिला नहीं मिलेगा, मंदसौर जिले में बरखेड़ा पंथ नहीं मिलेगा, बरखेड़ा पंथ में कथा नहीं मिलेगी, गुरुजी नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा, नाचना गाना नहीं मिलेगा। बोलो जाना है? क्या करोगे? स्वर्ग जाके बैठो ना आराम से, बढ़िया धूप आ रही है, मजा। चलो, और नर्क के बारे में क्या रहा यार? वो किस किस को अच्छा लगता है बताओ? किसी को अच्छा लगता है ना? नाम सुन के कांप जाता आदमी, मेरा बाप जी नहीं जाना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ना तो नर्क तो जाना ही नहीं है। जो इस पांडाल में आने के लिए घर से निकलता है कथा के, वही उसका भगवान लिख देते कि ये नर्क जाएगा ही नहीं। ठीक है, पक्की बात। अब ना तो हमें स्वर्ग नरक जाना है और ना ही हमें स्वर्ग जाना है, फिर जाना कहाँ है? परमात्मा के पास जाना है। इस स्वर्ग नरक से ऊपर उठो और परमात्मा के पास जाने का। परमात्मा स्वर्ग में नहीं मिलता है, ये समझ लेना। स्वर्ग कौन जाता है? आपने खूब पुण्य किया है तो आपको भोग भोगने के लिए स्वर्ग मिल जाता है, पुण्य के अनुसार। जैसे विदेश जाते हैं ना, कोई फॉरेन देश से बाहर, तो वहां जाने के लिए क्या होते हैं कि वहां जाने के लिए वहां की सरकार आपको वीजा देती है, बाहर दूसरे देश की सरकार, कि भैया 10 दिन का, 15 दिन का, एक महीने का वीजा हमने इसको दिया है और ये इतने दिन देश में रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ दिनों का वीजा खत्म हुआ कि तुरंत सरकार का आदेश आ जाएगा आपको वहां की, दूसरे देश की सरकार का, कि आप देश छोड़ो, हमारा आपका वीजा पूरा हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जब तक पुण्य होता है तब तक स्वर्ग में रहते हैं, और जैसे पुण्य का खाता खत्म हुआ उसी दिन स्वर्ग से उतार करके फिर नीचे फेंक दिया जाता है। तो क्या मतलब ऐसी जगह जाने का कि वापिस यहाँ आना पड़े, वापिस इस संसार इस प्रपंच में पड़ना पड़े, कथा को सुन करके परमात्मा तक पहुंचने का और परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर। ये कथा इसलिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। और कल भी आपसे कहा था कि जीते जी एक बार तो भगवान का दर्शन कर लेना, ऐसी भक्ति करना, ऐसा भजन करना, ऐसा भजन करना, ऐसा परमात्मा को पुकारना कि राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, गौशाला में कथा हो जाए तब तो तुमने इतना परेशान नहीं किया गुरु जी को, इस बार क्या सोच के बैठे हो? सबरा ठेका गुरु जी लेके बैठे, यहाँ बैठ गए, आप बैठ जाओ, मैं वहां जाऊ। बोलो, कल आपसे क्या कहा था? मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो क्या, मैं ही गाता हूँ ना आप भी। राधा रमण, राधा रमण, राधा Yeah.
राधा रमण लाल की जय। तो भक्ति के साथ भजन के साथ जीवन में ना व्यक्ति दुखी इसलिए होता है कि वो किसी न किसी अभाव में होता है, उसको किसी न किसी बात का अभाव होता है। मेरे पास अच्छा मकान नहीं है, मेरे पास अच्छा परिवार नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, किसी न किसी बात का व्यक्ति को अभाव होता है जीवन में। उस अभाव के कारण मनुष्य दुखी होता है। अब एक कल एक बात कही थी आप, बात ये कही थी, मैं इसलिए देख रहे थे कि तुम मत देखो, मैं देख रहा हूं पहली इधर, मैं देख के पूरा तुम्हारी तरफ का, मैं सब कुछ देख लूंगा, आप खाली इधर देखना क्योंकि मैं उधर तक देख रहा हूं, मेरी हर जगह नजर रही है। और सोफे पे जितने मेरे प्रिय बैठे हैं प्रेम से सुनना, सोफे का सुख लेके नींद मत निकालने लग जाना कोई। रत्नावत जी ध्यान रखियो, गुरु जी बहुत खराब है। आइए किस बात, कल एक निर्णय दिया था आपको व्यासपीठ से कि जिसके है वो भी और जिसके नहीं है, याद आ गई कि नहीं आई? क्या पता तुम यहाँ कहीं छोड़ के जाते हो पंडाल, ऐसा तो नहीं करते हो? जिसके है वो भी, जिसके नहीं है वो भी, भगवान को गोद ले लो तो ये दुख समाप्त तुरंत, ये अभाव रहेगा ही नहीं जीवन में। अब उसके अलावा और क्या अभाव है लोगों को, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तरह तरह की बातें, और अभाव है इसलिए दुख है, किसी न किसी अभाव के कारण जीवन में दुख आ जाता है। अब उसको दूर करने का आपको आज एक उपाय बता रहा हूं, अगर आप स्वीकार कर लोगे तो इस पांडाल में बैठे आज के आज आप दुनिया के सबसे सुखी मनुष्य हो जाओगे। एक उपाय बता दो, उपाय मतलब एक अच्छी सत्संग वाली बात बता रहा हूं, तो तोड़ टोड़ के मत समझ जाना। सुनो अच्छा, एक बात बता, मेरे पास घर नहीं, पैसा नहीं, संपत्ति नहीं, जमीन जायदाद नहीं, परिवार नहीं, कोई के माँ नहीं, कोई के पिता नहीं, कोई के पत्नी नहीं, कोई के बच्चा नहीं, बहुत सारे तरह के अभाव जीवन में होते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, परमात्मा कौन है? परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो हमारा कौन है? माता पिता है कि नहीं अपने? बोलो सगे और असली माता पिता कौन है अपने? संसार में आए हैं ये तो माध्यम निमित्त है, सगे माँ बाप कौन है? परमात्मा है, वो भगवान है, तो अपना बाप कौन है? भगवान है, ठीक है, अपना बाप भगवान है। ये पृथ्वी किसकी है? बोलो ये पृथ्वी किसकी है? अच्छा अभी जहां इस प्रांगण में बैठे हुए, प्रांगण किसका है? ये जमीन किसकी है? पृथ्वी किसकी है? भगवान की है कि नहीं? भगवान की है। और भगवान अपना क्या है? अपना बाप। तो ये सब अपने बाप का ही तो है। अब अगर आज की बात कोई कह दे कि मेरे पास तो ये नहीं है ना वो नहीं है, ये सड़क भी आपके बाप की है, ये जमीन भी आपके बाप की है, ये पेड़ लगे ये भी आपके बाप के हैं, और पूरी पृथ्वी जहां जहां तक दिखाई देती है समुद्र सहित अपने बाप की है, क्योंकि अपने बाप कौन है? भगवान। सब अपने बाप की, तो इतना कुछ अपना है, उसके बाद भी अपन दुखी हो रहे हैं, उसके बाद भी परेशान हो रहे हैं, काय को चिंता करते हो, क्यों परेशान हो? बैठो ना आराम से, आप तो भजन करो, सब परमात्मा का, और परमात्मा अपने पिता है, और जब वो अपने हैं तो सब कुछ अपना है, इस बात को जीवन में अपना लो तो सुखी हो जाओ। पड़ोसी को इतना अच्छा हो गया, उसका इतना अच्छा हो गया, उस रिश्तेदार की इतना बढ़िया हो गया, इन इन झंझटों से थोड़ा बाहर निकलो, एक लेवल पे आ जाओ जीवन में, आधा ऊपर जीवन निकल गया है कईयों का तो यहाँ बैठे हुए, अब इन सब से बाहर निकलो, जीवन की चिल्लाचट, जीवन की परेशानियां, जीवन की समस्याएं, लड़ाई झगड़े, ये यही करते रहेंगे कि आखिर उम्र अपन विचार करो, ये कथा ही सुना रहा हूं मैं आपको, और उसमें आपसे बात कर रहा हूं, मैं कुछ सुना नहीं रहा हूं, प्रवचन बात कर रहा हूं आपसे, जैसे घर में बैठ के बात करते ना, ऐसे बात कर रहा हूं, मन की बात आपसे, आपकी बात कर रहा हूं। बोलो कब तक इस झंझट में पड़े रहोगे? विचार करो कब तक इससे मन मुटाव है, उससे मन मुटाव है, इससे परेशानी है, उससे परेशानी है, अब यही करते रहेंगे अंतिम समय तक, तो भजन कब करेंगे और परमात्मा को प्राप्त कब करेंगे?
लोग से कहते करो नहीं भजन करो, करेंगे लोगों से कहो आप भजन करो, करेंगे कथा सुनो, सुनेंगे। अब ये कोई सगाई थोड़ी है कि बार बार आ जाएगी। सगाई करो छोरा छोरी की घर में तो क्या, अभी तो और आएगा। कई लोग कहते हैं सगाई एक दो बार में नहीं करते, अभी तो और आएगा, अभी तो और आएगा। तो ये मनुष्य देह कोई सगाई थोड़ी जो और आएगा चलता रहेगा, और आएगा और फिर करांगा कई करोगा, फिर कम कई नहीं करोगा, फिर तो यमदूत करेगा जो भी करेगा। अभी को लोगों से कि साहब कथा में चलो भजन करो, समय नहीं है साहब, समय नहीं, अभी नहीं आना, समय नहीं। अच्छा समय नहीं, बोले हाँ समय नहीं है। जिस दिन यमदूत आए उस दिन यमदूत से कहना कि अभी समय नहीं है, वो मान लेगा आपकी? बोलो यमदूत के सामने कोई कह दे यमराज के सामने कि अभी समय नहीं, अभी नहीं आऊंगा, वो मान लेगा? कि आपका समय आपके पास रखो, बैठो चलो। क्या करने आए हैं हम लोग ये विचार तो करो, और क्या कर रहे हो ये विचार करो। क्या करने आए हो और क्या कर रहे हो ये विचार करो, बैठ करके मन के अपने आप का निरीक्षण करो, आत्मनिरीक्षण करो। ये कथा क्या है, आत्मनिरीक्षण कराती है, आत्मचिंतन कराती है। अभी तक हमने क्या किया है, चलो इस पे विचार करते हैं। परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए, पोता पोती के लिए पैसा इकट्ठा किया, बैंक बैलेंस किया, प्रॉपर्टी बनाई, मकान बनाया, किसके लिए किया? पूरी उम्र दौड़ दौड़ के परिवार के लिए किया है। लेकिन अब ये विचार करो कि पूरी उम्र दौड़ दौड़ करके परिवार के लिए इकट्ठा करते रहे, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए क्या किया, इस पर विचार। आत्मा के उद्धार का कोई उपाय किया है कि नहीं किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो आज से प्रारंभ कर दो आत्मा का उद्धार करना, उस ओर बढ़ने का प्रयास, उस ओर चलो, आत्मा उद्धार। और वो कब होता है, जब हम लोग काम क्रोध मोह मद लोभ और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। लोग आते हैं कहते हैं गुरुदेव हमें अभिमानी, लोग कहते हैं गुरुदेव मैं अभिमानी नहीं हूं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया मैं अभिमानी नहीं हूं ये कहना भी एक अभिमान ही है और कुछ नहीं। मैं अभिमानी नहीं हूं ये भी तो आप अभिमान नहीं कह रहे हो, तो अभिमान गया कहां जीवन में से? फिर अभिमान मान मान सम्मान की इतनी लगी हुई है लोगों को कि भूल गए यथार्थ को। इन सब से मुक्त होना पड़ेगा। अभिमान रूपी खूंटे से आप और हम बंधे हुए हैं। किसी गाय भैंस को खूंटे से बांध दो तो वो नहीं भाग सकती वहां से। उसी प्रकार हमारा मन और हम अभिमान रूपी खूंटे से बंध गए हैं, और जब तक उससे छूटेंगे नहीं तब तक परमात्मा तक पहुंचेंगे नहीं। ये बात पक्की है, समझ लें। जब तक अभिमान रूपी खूंटे से नहीं निकलेंगे तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। आपके और हमारे बीच में, मतलब हमारे और भगवान के बीच में कौन है, वो एक पर्दा है। वो किस बात का पर्दा है? माया का, और कुछ नहीं। हमारे और भगवान के बीच में एक माया का पर्दा है। वो जिस दिन हट गया ना उस दिन परमात्मा सामने खड़ा मिलेगा, पर उसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जीवन में तप करना पड़ेगा, परमात्मा के प्रति वो श्रद्धा वो निष्ठा जागृत करनी पड़ेगी, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होती। अभिमान रूपी खूंटा वो हमें परमात्मा तक की यात्रा पूरी नहीं करने दे रहा है। विचार करो, मथुरा के चौबे जी, मथुरा के पंडा, चार भाई रात को यमुना जी में नाव में बैठे, मथुरा के घाट से अपनी नाव में बैठे आगरा जाने के लिए। चारों भाइयों ने रात भर नाव चलाई, चारों भाई ने रात भर नाव चलाई, और चलाते चलाते सवेरा हो गया, प्रकाश हो गया, तो उन्हें तो वापस वही मथुरा का घाट नजर आया। तो उन्होंने आपस में बात करी, भैया देखो ऐसा लगता है कि आगरा में भी मथुरा जैसे घाट बन गए। इतने में एक और पंडित जी आए, बोला अरे आप चारों क्या करते हो यहाँ? बोले क्या क्या कर रहे हैं, रात भर नाव चला करके आगरा पहुंचे। अरे आंखें खोल के देखो ये आगरा नहीं है, मथुरा ही है।
बोले अरे हम आगरा नहीं पहुंचे, बोले नहीं, बोले हमने तो पूरी रात नाव चलाई, उसके बाद भी आगरा क्यों नहीं पहुंचे, बोले आप सही कह रहे हो, नाव तो आपने रात भर चलाई और ये नाव खूंटे से बंधी हुई रहेगी, अंधेरे में दिखा नहीं आपको, खूंटा नहीं दिखा, वो रस्सी नहीं निकाली, उस खूंटे से बंधी की बंधी रही है रात भर, और आप रात भर राम मेहनत करते रहे, मेहनत यहाँ के यहाँ नहीं पहुंच पाए वहां। इसी प्रकार आप और हम अभिमान रूपी खूंटे से बंधे हुए हैं, करते रहे मेहनत, कहते हम भी भजन करते हैं, हम भी कथा सुनते हैं, और वहां के वहीं चला रहे हो, खूब कथा सुनी, कोई पहली बार सुन रहे हो क्या कथा, कई कथा सुनी, परीक्षित ने तो एक बार सुनी थी, क्या बोलो 10 बार सुनी, परीक्षित जी ने एक बार सुनी, एक बार में मुक्ति हो गई, अपन जी ने कितनी बार तक सुन करके बैठे हैं यहाँ पे, बोलो अभी तक तुम यही बैठे हो, कथा सुनने के बाद भी आश्चर्य से ये है, अभी तक मुक्ति क्यों नहीं हुई है, विचार करो, मुक्त तो हो ही नहीं पा रहे हैं, वहां पर तो पहुंच ही नहीं पा रहे, कारण क्या है, कारण क्या है, वो नाव वहां की वहीं चल रही है, वहां से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, तो परमात्मा तक पहुंचेंगे कैसे, इसलिए विचार करो, अभिमान रूपी खूंटे से निकलो, तब जाकर के परमात्मा तक, भगवान तक पहुंचोगे। भगवान ने कहा है, एक भगवान ने एक बात कही है कि देखो मैं तुम्हारी हर चीज स्वीकार कर लूंगा, सहन कर लूंगा, बड़े से बड़ा पाप तुम्हारा मुक्त कर दूंगा मैं, लेकिन मोह कपट छल छिद्र न भावा, कपट छल और अभिमान ये नहीं पसंद है, और यहां महापुरुषों ने कहा है कपट ही कपाट है, समझ रहे हो, कपट ही कपाट है जो परमात्मा से मिलने से रोक रहा है, कपाट। अब यूं मुंह मत हिलाओ, अपने अंदर देखो, कपट, कपट ही कपाट है जो भगवान से मिलने से रोक रहा है, अपने अंदर कितना है और किस किस के प्रति आज सोच लो, उसमें सोचने की भी क्या देर लगती हो, तो मालूम है किसके प्रति, तो उसको तुरंत निकाल करके फेंको आज यहाँ इस पंडाल में, ये छोड़ करके जाओ, खाली होके जाना आज 4 बजे, बिल्कुल फ्री होकर, कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, इन सब से मुक्त होकर के जो भजन होता है वो भजन रस देता है और उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। अच्छा बताओ, मीराबाई भी नाची है, मीरा ने भी भजन किया है, आप भी भगवान के सामने नाचते हो, आप सब भी भगवान का भजन करते हो, लेकिन बताओ जो रस भजन में मीरा को आ रहा था वो हमें आ रहा है क्या, जल्दी बोलिए, जो रस मीरा को आ रहा था वो हमें प्राप्त हो रहा है, भजन में रस आ रहा है, या वो परमात्मा की छवि का एक इतना सा भी कोई प्रत्यक्षीकरण हो पा रहा नहीं, क्यों, क्योंकि रस नहीं आ पा रहा ना, भजन तो वो भी किए हम भी कर रहे हैं, पर वो रस नहीं आ रहा, वो कब आएगा, जब हम काम क्रोध मोह मद लोभ के अहंकार से ऊपर उठ जाएंगे और उसके बाद पूरे खाली होकर के जो भजन करेंगे वो भजन रस देता है, उस भजन का आनंद आता है, उस भजन का आनंद आता है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी उम्र ऐसे ही निकल जाए और पता ही नहीं चले स्टेशन आ जाना है, त्रेता सतयुग द्वापर ये जो युग थे ना, इसमें मनुष्य की हजारों वर्ष की उम्र होती थी, उसमें भी उनको कम लगता था और भजन करते थे, अब बताओ कलयुग में मनुष्य की उम्र क्या बताई है शास्त्र में, 100 साल, कितनी उम्र है कलयुग में मनुष्य की, 100, पर अब ये बताओ 100 साल जियोगे, जल्दी बोलिए, यहाँ तो लिखा है कि मनुष्य कलयुग में 100 साल की उम्र है, पर अब और ऐसा युग का प्रभाव आया है कि क्या 100 साल पूरा जी लोगे, जी पा रहे हो पूरे 100 साल, नहीं जी, आज के समय में 60 से ऊपर जो जी रहा है ना उसको भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए, वाह प्रभु बोनस की जिंदगी, 60 से ऊपर जो 60 से ऊपर चल रहा है अभी वो सब भगवान के हाथा पांव में जोड़ा करो, रात दिन के वारे प्रभु तेरी दया बोनस की जिंदगी दे रखी है, उसके बाद भी समझ नहीं आ रही लोगों को, उसके बाद भी भजन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी घर परिवार में बैठकर दूसरी फालतू की बातें करने को सब तैयार है, भजन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे है जो भजन नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे है जो भजन नहीं कर रहे, आज 100 साल की उम्र कलयुग में है लेकिन 100 तक कोई नहीं जी पा रहा है, आज की ये स्थिति हो गई, आज का ये युग का प्रभाव है, इतना कम समय रह गया है,
उसके बाद भी अगर भजन नहीं करोगे तो परमात्मा को प्राप्त कैसे करोगे? बोलो। लोग कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में भी नहीं करते। लोगों की स्थिति क्या है अभी ना महाराज जी, क्या है कि बच्चे थोड़े छोटे हैं, इनको थोड़े बड़े हो जाए, ठीक है, वो बच्चे भजन करने लग जाते हैं बड़े हो गए, उनके बड़े कभी भजन नहीं करते। ये स्थिति कलयुग की है, तो कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, बच्चे बड़े हो गए अब कर लो, अभी क्या शादी ब्याह हो जाए, शादी ब्याह हो गया अब कर लो, अभी ना क्या महाराज लाड़ी नई नई है घर में, तो उसका जो मैं पाता था इतनी झंझट है, तो काय को भगवान को पागल बना रहे, निकल जाते हैं जंगल में तुरंत। अभी ना अभी तो महाराज लाड़ी नई नई आई है, तो थोड़ा इसको बताना पड़ेगा, यहाँ का जो व्यवहार है वो सिखाना पड़ेगा, सिखा लो साहब। अब क्या है ना महाराज जी, बस अब पोता हो गया, पोती हो गई, अब क्या थोड़ा बच्चों को खिला ले, ये और इच्छा पूरी कर ले, फिर भजन करेंगे, ठीक है साहब ये भी कर लो। अब क्या पोता पोते का ही ब्याह हो गया, अब क्या गुरु जी बड़ पोता देख ले, भगवान के तू यहाँ आ, तू मेरा मुंह देख ले, हद हो गई है संसार, हद हो गई। इतनी आसक्ति और इतना प्रेम अगर परमात्मा के चरणों में 1% भी हम कर देते तो परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता, 1% भी अगर भगवान के चरणों में किया जाए तो। पर कोई करने को तैयार नहीं है, बातें करने को सब तैयार है, दिखावा बहुत चल रहा है आज के समय में, आज की दुनिया में। लेकिन एक बात समझ लेना, लोग कहते हैं कि गुरुजी पैसे बिना नहीं चले, एक बात समझ लेना, पैसे बिना चल जाएगा लेकिन भगवान बिना नहीं चलेगा, क्योंकि वो पैसा भी भगवान से आ रहा है। मेहनत भले आप करते हो पर आपकी मेहनत को सफल कौन करता है? वो परमात्मा करता है। और एक बात समझ लेना, ये जो संसार है, ये संसार का व्यवहार नाम से चलता है और परमात्मा का व्यवहार नाम से चलता है, इसलिए नाम जपना शुरू कर दो, भगवान का भजन प्रारंभ कर दो। बिल्कुल समय नहीं है, जो लोग कहते फुर्सत नहीं है, जिनके जहाज चल रहे थे उनसे पूछते कोरोना काल में कि वो जहाज कहाँ गए, जो चल रहे थे रात दिन, बोलो जब कोरोना काल आया, जब सेकेंड वेव आई थी ना, उसमें तो हमको सबको बड़ा दुख हुआ, ऐसे ऐसे को खोया है हम लोगों ने जिनको हम सोच नहीं सकते, जिनकी कोई उम्र नहीं थी। बता इस युग का भरोसा है क्या? जल्दी बोलो, आप बोलो ना, है इस युग का भरोसा? कब कोई चल पड़े? 100 साल तो छोड़ो, आज का समय क्या हो गया, समय कितना विचित्र, काल कैसा घूम रहा है सरेआम, कि पहले तो उम्र होती थी ना कोई मरता था, अब आप देखो कई जगह ये बातें सुनने को भी मिलती है, भगवान नहीं करे कि आप कभी सुनने को मिले, पर मिलती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि साहब वो हमारे परिवार में कोई बच्ची थी, वो गर्भवती हुई, अस्पताल ले गए, पर बच्चा जन्मते ही, बोलो आपके व्यवहार की बात आपको सुना रहे, अगर अभी मैं वेदांत की बखान करने लग जाऊंगा यहाँ से तो आपके एक के समझ नहीं आई कि गुरु जी क्या बोल गए 3 घंटे, इसलिए आपकी भाषा में आपको कथा समझा रहा हूँ। बोलो अस्पताल के अंदर ये सुनने को नहीं मिलता आजकल कि गर्भवास से सीधा स्वर्गवास, कि बच्चा जन्मते बहुत दुख हुआ गुरुदेव, बच्चा जन्मते विचार, ये स्थिति चल रही है, या तो एक दिन भी नहीं जी पाया है, एक ऐसा भी हुआ है कि जन्मते समाप्त हो गया, उसके बाद भी शिक्षा नहीं ले रहे हैं इन घटनाओं से और भजन नहीं कर रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो बताओ कार्य चलेगा कैसे? पूरी कथा का एक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, धन संपत्ति सत्ता, इस चक्कर में मत पड़ जाना कथा में आके, वो भी अगर आप यहां आकर के कहोगे तो ये दे देंगे, ये मना नहीं करेंगे भगवान, क्योंकि भगवान के सामने जब व्यक्ति अद्भुता संसार की स्थिति क्या होगी, ये इसको क्या कहते हैं दिमाग, इसको क्या कहते हैं, खोपड़ी है ये, मनुष्य की खोपड़ी, खोपड़ी का अर्थ पता है क्या होता है? जो खो के पड़ी हुई है, खोपड़ी का अर्थ ये होता है जो सब कुछ खो करके पड़ी हुई है हमारे अंदर, और आज के मनुष्य की खोपड़ी इतनी उल्टी हो गई है कि भगवान से जाकर के संसार मांगता है, मंदिर में जाके संसार ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं, भगवान से संसार मांगता है और फिर संसार में रोता रोता भगवान मांगता है, तो पहले ही अगर भगवान को भगवान से मांग ले तो रोना नहीं पड़ता इस संसार के अंदर, समस्या ही खड़ी नहीं होती। विचार करो, भगवान के मंदिर में जाके भगवान से भगवान को मांगो तो समझ आए भगवान से संसार मांग रहा है मनुष्य, संसार क्या विचित्र स्थिति होगी मनुष्य की, कितनी उल्टी चल रही है गति, विचार करो।
कल भी बताया था क्या मांगना है वो सीखो, कैसे मांगना है वो सीखो, प्रहलाद से सीखो, ध्रुव से सीखो, ये है भक्ति, ये है भजन। और एक बात और बता दें आप, अगर पूर्ण रूप से समर्पित होकर के भगवान की ओर आगे बढ़ोगे तो ये मत सोचना कि ये गांव वाले घर वाले आपको माला पहनाएंगे, इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, समझ लो। जो भगवान की ओर चलोगे